लहसुन में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग अक्सर बाजार में दो तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अवेलेबल है। पहला जो काफ़ी पॉपुलर है वो आता है सिजेंटा का कल्टार, जो कि पेट्रोपेट्रोजोल है, और दूसरा है BSF का लिवोसिन, जो कि टेक्निकल है क्लोरोमेटिक क्लोराइड। अब जो दुविधा होती है हम लोगों की कि कौन सा अच्छा है और किसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो इस दुविधा को निदान करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है आपको कुछ अच्छी जानकारी मिले और आप इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सही इस्तेमाल कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं। ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि पौधों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रोथ को कम करता है और जो दूसरे कुछ केमिकल्स होते हैं TGR होते हैं वो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो अक्सर ये सवाल होता है कि क्या हमें लहसुन में इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की ज़रूरत है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आपकी फसल में वानस्पतिक ग्रोथ, जो कि बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, अगर आपको लगता है सामान्य से कुछ ज़्यादा है, कुछ हाइट उसकी ज़्यादा हो गई है और तना काफ़ी मोटा हो गया है, तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं इसके और भी काम होते हैं। पहला तो हो गया आपका ग्रोथ को कंट्रोल करना, दूसरा होता है कि कई बार क्रॉप में स्ट्रेस होता है, कभी ज़्यादा बारिश हो गई या बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा नमी हो गई खेत में, या कुछ खिंचाव हो गया, पानी कम दिया है, तो इन दोनों स्थितियों में भी ये पौधों को मदद करता है। जड़ें होती है वो अच्छी तरह से चलती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के उपयोग से। तो ये दो तीन कारण हैं। और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं फंजीसाइड होते हैं, वो एक बहुत बढ़िया फंजीसाइड का भी काम करते हैं। दूसरा सवाल होता है हमें कब इसका उपयोग करना है। ऊटी लहसुन में इसका उपयोग 80-90 दिन के आसपास करना उचित होता है। देसी लहसुन में लगभग 80-100 दिन के बीच में इसका उपयोग करना बेहतर है। अभी तक लहसुन में इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, और ये जो भी प्रोडक्ट बाज़ार में मिलते हैं ये लहसुन फसल के लिए रिकमेंडेड नहीं है। जो आप लेबल होता है उसको खोल के पढ़ेंगे लेबल को, तो उसमें लिखा होता है कि ये मैंगो के लिए है या कुछ दूसरी फसलों के लिए है, लहसुन के लिए अभी उसका रिकमेंडेशन नहीं आया है। फिर भी जो सामान्य जानकारी है, जो हमारे क्षेत्र के अच्छे किसान हैं उन लोगों से मुलाकात होने के बाद जो एक फीडबैक आता है, हो सकता है कुछ इससे फ़ायदा हो, इसमें हो सकता है कुछ आपका कंद बढ़ जाए, कुछ वजन बढ़ सकता है और ओवरऑल आपका प्रोडक्शन जो उत्पादन क्षमता है वो हो सकता है कुछ 10% या 20% 10-20% के आसपास आपका जो उत्पादन बढ़ सकता है। अब अक्सर जो समस्या आती है कि
लहसुन में कौन सा PGR हमें उपयोग करना है। बाज़ार में जो पॉपुलर है, दो PGR जो है पॉपुलर है, पहला है कल्टार जो कि टेक्लोबुट्रोजोल है, दोनों में से किसका चुनाव करें, कौन सा बेहतर है, इससे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और इसका भी जवाब सामान्य कॉमन अवेलेबल नॉलेज है इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, इसका भी कोई वैज्ञानिक तथ्य या साइंटिफिक कोई प्रूफ अभी तक है। वो थोड़ा धीरे काम करता है, उसको इफेक्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है, जबकि जो टेक्लोबुट्रोजोल है जो कि कल्टार है या तमोली है, दो उपलब्ध हैं, ये जल्दी कार्य करते हैं, इनका रिजल्ट फास्ट है और आपको 15 दिन में इसका कुछ इम्पैक्ट दिख सकता है। जहाँ तक कीमत की बात है, दोनों की कीमत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो प्रोडक्ट का आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके साथ एक लीफलेट मिलता है, उसमें पूरी जानकारी दी होती है। अब बात आती है कि हमें दोनों में से अगर एक चुनना है तो हम किसका चुनाव करेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर जो मेरे हिसाब से है वो है, मैं कल्टार या जो सुमेटोमो केमिकल का तंबोली है दोनों में से एक का चुनाव मैं करूँगा। जो BASF का लिवोसिन है वो हमारे इसके लिए इतना काम नहीं करेगा लहसुन में, तो दूसरी फसल के लिए अपन उपयोग कर सकते हैं। तो जो टेक्लोबुट्रोजोल है इसका एक और फायदा है कि ये एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक फंगिसाइड है और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ साथ एक फंगिसाइड का भी काम करेगा, तो इससे आपके दो पहलू हल हो जाते हैं, एक आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी मीन्स जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी और वो आपका कंद का जो साइज़ है उसको बढ़ाने में उसको मदद करेगा। दूसरा है एक फंगिसाइड का भी काम करता है, अगर किसी तरह की कोई आपकी फंगल बीमारी है आपके फसल में तो ये उसको भी कवर करेगा। तो मेरे व्यक्तिगत विचार से हमें टेक्लोबुट्रोजोल को चयन करना चाहिए। आपको क्या सही लगता है ये आप अपना निर्णय लीजिए और अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग के अधिकारी हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी राय ले सकते हैं। धन्यवाद।